आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड मावा की रेसिपी। होली आ रही है और होली पे हमें गुजिया बनानी होती है। गुजिया के लिए हमें मावा चाहिए, तो मावा अब हम घर में ही बना सकते हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना और इससे आप कई सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। और ये बहुत शुद्ध मावा है क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है, तो बाहर के मावा से ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो फिर चलिए चलते वीडियो की तरफ। मावा बनाना स्टार्ट करते हो इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, तो आप कप से भी नाप के ले सकते हैं। करीब 5 कप दूध आप ले सकते हैं, उससे हमारा जो है 200 ग्राम मावा बन जाएगा। तो दूध को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल आने देते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे। दूध में हमारा उबाल आ चुका है, अब हम इसको गैस को मीडियम कर देते हैं। और दूध में हमारा उबाल बना रहना चाहिए, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2-3 मिनट में आप इसको चेक करते रहें और चम्मच से बिल्कुल बर्तन के तले तक अच्छे से चलाएं, ताकि दूध हमारा जले ना। तो देखिए, इस तरीके से आप 2-3 मिनट में इसको चेक करते रहें और बस इसी तरीके से हमारा जो मावा बनके तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और दूध पे नज़र बनाए रखनी है, ताकि दूध हमारा जले ना। थोड़ी देर हम इसको पका लेते हैं। तो ये 2-3 मिनट में हमने इसको चेक करा और देखिए, हमारा दूध जो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और करीब 1/4 दूध रह गया है हमारा, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। तो अभी हमें इसको और गाढ़ा होने देना है, तो थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे। तो इसको हमने कंटिन्यू चलाते हुए देखिए कितना गाढ़ा कर लिया है, और जो इसकी जो मलाई आएगी आप उसको अच्छे से चम्मच से जो है तले तक चलाएं और उसको बिल्कुल चारों तरफ से खुरच लें और फिर दूध में अच्छे से मिला दें। और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसको देखिए कितना गाढ़ा होने तक पका लिया है, और गैस की फ्लेम हमने अभी भी मीडियम ही रखी है। और देखिए, जो हमारा मावा है बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर और चला लें आप, अगर आपको और गाढ़ा चाहिए, नहीं तो आप इसको गैस बंद कर दें। हमारा मावा बन चुका है, अब आप इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें ताकि ठंडा हो जाए और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ी देर हमने इसको ऐसे रख दिया था और जो हमारा मावा है कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी सेट भी हो चुका है। तो देखिए, होममेड मावा हमने बना के तैयार कर लिया है और बिल्कुल शुद्ध मावा है। आप इसे कोई भी मिठाई बना के खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।